फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग होता क्या है, सेक्रेटरी ड्यूटीज जानने से पहले तुमको पता होना चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एजीएम। साल में कितने बार होना चाहिए? एटलीस्ट एक बार। फिर 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। नोटिस कितने दिन पहले भेजते हैं शेयर होल्डर्स को? 21 डेज। कोरम कितना होना चाहिए? ये कंपलसरी दोनों है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। सो प्राइवेट लिमिटेड के लिए कोरम कितना है? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। पब्लिक के लिए यदि कंपनी में शेयर होल्डर्स 1,000 से कम है तो 5, 1,000 और 5,000 के बीच है तो 15, 5,000 के ऊपर है तो 30। पर इस मीटिंग में डिस्कस क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। ये मेन काम होता है इस मीटिंग में। अभी कोई भी मीटिंग ले लो, जब तुम मीटिंग रखोगे तो तुमको एक चीज पता होगा, ठीक है? एजीएम से पहले मैं तुमको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मीटिंग था 29 अगस्त 2022, वहां पे ले जाऊंगा बताने के लिए। सो डू यू एग्री? 29 अगस्त से पहले बिफोर द मीटिंग होगा। दोपहर को 2 बजे था, मीटिंग जस्ट शुरू हुआ है, मतलब ड्यूरिंग द मीटिंग और मीटिंग खत्म होने के बाद। इन शॉर्ट, मैच से पहले, कल 7th ऑफ डिसम्बर है, कल इंडिया बांग्लादेश का वन डे है, इंटरनेशनल है। सो आज बिफोर द मैच है, कल ड्यूरिंग द मैच होगा, कल मैच खत्म होने के बाद आफ्टर द मैच होगा। उसी प्रकार से कोई भी मीटिंग ले लो, उसके 3 काम होंगे: बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग। तो सेक्रेटरी का जो फंक्शंस है बिफोर द एजीएम क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। पहले तो तुमको डेट फाइनलाइज करना पड़ेगा, कब रखना है मीटिंग। लॉजिक समझ में आ रहा है? नाउ हु इज द अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो बोर्ड मीटिंग में एक्सरसाइज करेंगे, सो मीटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्लीज नोट, सेक्रेटरी के पास मीटिंग बुलाने का अधिकार नहीं है, वो ऑन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड मीटिंग बुलाती है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। कौन से मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग साल में कितने बार होते हैं? 4 बार, 3 महीने में 1 बार। इस बोर्ड मीटिंग में डे, यहाँ पे डे भी डालना पड़ेगा भाई, डे, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ द मीटिंग तय होगा, ठीक है? अब रिलायंस का तुम सोचो, 29th ऑफ अगस्त 2022 को मीटिंग हुआ। मैं तुमको रिलायंस की तरफ लेके जाता हूं और फिर बताता हूं। नाउ इफ यू चेक आउट, ये रहा रिलायंस का नोटिस, कब हुआ था उनका मीटिंग? अगस्त 29th, ठीक है? मंडे, अगस्त 29th, दोपहर को 2 बजे। अच्छा, ये मीटिंग का नोटिस कब भेजा गया? 6th अगस्त, ठीक है ना? 6 अगस्त। इसका मतलब बोर्ड मीटिंग इसके 10 दिन पहले हुआ रहेगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग का तारीख तय होता है। तो प्लीज नोट कि पहले बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा, ये नोटिस भेजने के एटलीस्ट 10 दिन पहले तो हुआ रहेगा। मतलब ऐसा सोचो, सितंबर 15 या सितंबर 25 के आसपास बोर्ड मीटिंग हो गया होगा, क्योंकि फिर नोटिस का ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, क्या क्या डिस्कस होना है मीटिंग में तैयार होगा ना। सो सितंबर 25 के आसपास बोर्ड मीटिंग रहा होगा, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ रहेगा कि मीटिंग कब रखना है। सो मीटिंग का तारीख क्या है? अगस्त 29th। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो बोर्ड मीटिंग है, इस बोर्ड मीटिंग में तारीख तय होगा कि भाई मीटिंग रखना है अगस्त 29th 2022। कहाँ पे तय होता है? बोर्ड मीटिंग में। कौन अटेंड कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या तय होता है? एनुअल जनरल मीटिंग की तारीख। कम से कम ऐसे सोचो, 1.5 महीने पहले बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि फिर नोटिस तैयार करना पड़ता है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, मतलब मीटिंग में क्या क्या काम होना है वो तैयार करना पड़ता है। लेट अस चेक आउट। जैसे कि
टू कंसिडर एंड अडॉप्ट अकाउंट्स, टू अपॉइंट नीता अम्बानी डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट होनी थी, फिर डिविडेंड डिक्लेयर करना था, है ना। ये सब काम, ये सब लिखित फॉर्म में तैयार करना पड़ेगा तो उतना टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा। बोर्ड मीटिंग में क्या तय होगा? एनुअल जनरल मीटिंग की डेट, डेट, टाइम और प्लेस। वैसे तो कॉमन सेंस है, मीटिंग छुट्टी के दिन नहीं हो सकता। उसका मीटिंग का टाइम फ्रेम क्या होगा? कोई भी मीटिंग इंडिया में जो एनुअल जनरल, वेरी गुड, 9 to 6 होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग डे होना चाहिए। छुट्टी के दिन और पब्लिक हॉलिडे के दिन नहीं रख सकते। डेट रिलायंस ने कौन सा रखा था? 29th अगस्त। मैंने यहाँ पे, इन लोगों ने डे नहीं दिया, मैं जोड़ देता हूँ। डे क्या है? मंडे। समझ में आता है, पब्लिक हॉलिडे नहीं है। 29th अगस्त 2022। अच्छा, प्लेस, प्लेस का तुमको बताता हूँ कि प्लेस यहाँ पे जो प्लेस है, ठीक है, मैं इसको, हाँ, इसका जो प्लेस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था, इसलिए प्लेस नहीं दिया है। प्लेस कहाँ पे होना चाहिए? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो कि नरीमन पॉइंट में है, या मुंबई में कहीं पे भी। सो कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग या तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, या तो सिटी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे होना चाहिए। सो ये डिसाइड किया उन्होंने बोर्ड मीटिंग में, क्या? डे, डेट, टाइम और प्लेस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो टाइम का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम लैपटॉप में, जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, मैं अमेरिका से लूँ, इंडिया में लूँ, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। उसके बाद कायदा क्या है नोटिस का? कितने दिन पहले भेजा जाता है नोटिस? 21 डेज, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, कितने दिन का नोटिस भेजा जाएगा? 21 डेज बिफोर द टाइम ऑफ द मीटिंग। सो लेट अस चेक आउट, कितने दिन पहले रिलायंस का भेजा था, मीटिंग कब है और कब भेजा नोटिस? 6th अगस्त, मतलब 21 क्लियर डेज। प्लीज नोट, नोटिस भेजने का दिन, ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ओके, नाउ कौन से तारीख को भेजा था? अगस्त 6। मीटिंग कब था? अगस्त 29th। सो भेजा था अगस्त 6। ये दिन काउंट नहीं करते, ये दिन काउंट नहीं करते। बीच में गैप कितने का चाहिए? 21 डेज। इसको 21 क्लियर डेज बोलते हैं। सो भेजने का दिन, रिसीव करने का दिन काउंट नहीं करेंगे। सो ये बीच का फासला 21 डेज का होना चाहिए, ठीक है। सो इन लोगों ने डिसाइड किया कि 21 क्लियर डेज। अब क्या तैयार होगा? चेयरमैन का स्पीच, ठीक है। क्यों? मीटिंग में कौन स्पीच देगा? चेयरमैन देगा। सो चेयरमैन का स्पीच, क्योंकि स्पीच में चेयरमैन बताएगा कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया, क्या प्लान है भविष्य के, ठीक है ना। ये इनफैक्ट जो अभी मीटिंग था, जो रिलायंस का 45th आई थिंक था एनुअल जनरल मीटिंग, इस मीटिंग में इन्होंने 5G का एक डोंगल टाइप आता है ना, वैसा प्लान किया है। अभी वाईफाई के हमको कनेक्शन लेने पड़ते हैं, प्रॉपर वाईफाई ना, वो डोंगल से तुमको 5G मिलेगा। ये बहुत अच्छा इनोवेशन है, आगे देखेंगे कैसे वो करते हैं। स्पीच ऑफ द चेयरमैन तैयार होगा, उसके बाद में प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट। अच्छा, एक कॉमन सेंस बताओ, तुमको गोवा जाना है तो तुमको बस बुक करना पड़ेगा, रास्ते में कुछ खाने के आइटम लेने पड़ेंगे, पानी लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि तुमने हॉल बुक किया, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या तो होटल, अशोका बिल्डकॉन का जो हेड ऑफिस है वडाला, उन लोगों ने एक्सप्रेस इन होटल में रखा था, खाना भी रखा था मीटिंग के बाद, तो खाना का चार्जेस पे करने पड़ेंगे, हॉल बुक करना पड़ेगा, और खुद कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के इधर है तो हॉल बुक करना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, चेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स, वो सब देखना पड़ेगा। फिर मीटिंग में कंपनी अकाउंट सब तैयार रखना पड़ेगा, हालांकि वो एनुअल रिपोर्ट के साथ जाता है। एनुअल रिपोर्ट क्या है मैं बताता हूँ, ये जो नोटिस है, नोटिस के साथ में एक्चुअली एक होता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग से पहले शेयरहोल्डर्स को भेजा जाता है। ऐसे सोचो कि नोटिस कितने लाइन का होगा, देखो 5 लाइन का नोटिस है, ये रहा, ये कितने नोटिस लाइन का है? 5 लाइन का। इसके बाद मीटिंग में क्या काम करना है, ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस, ये 2-3 पेज का, ठीक है। इसके बाद ऐसा सोचो, कंपनी का जो अकाउंट्स है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब कंपनी को शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ता है, और मीटिंग में भी तैयार रखना पड़ता है। जो शेयर होल्डर्स को नोटिस के साथ, यहाँ पे पॉइंट नंबर क्या है, नोटिस कितने दिन पहले भेजा गया है? 21
21 डेज। नोटिस के साथ में क्या रहेगा? एजेंडा, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होना है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, प्लस जो अकाउंट से कंपनी का वो भी भेजा जाता है शेयर होल्डर को, और उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट भी आता है। उस बुक को क्या बोलते हैं? एनुअल रिपोर्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जाएगा वो जाएगा नोटिस और एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। नाउ ये जो नोटिस है इसमें इनबिल्ट आएगा एजेंडा, जो मीटिंग में डिस्कस होना है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, अकाउंट्स, डिविडेंड। एनुअल रिपोर्ट में तुम्हारा डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, जिसको बोर्ड रिपोर्ट बोलेंगे, ऑडिटर का रिपोर्ट बोलेंगे, ठीक है ना, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सब एक बुकलेट के तौर पर आएगा। हालांकि आजकल सब ईमेल में अटैचमेंट के तौर पर भेजते हैं, नहीं तो तुम्हारा जो बाल भारती है 200 पेज की, उतना साइज का वो बुक बनता है। तो अभी ईमेल में भेजते, तुम क्लिक करो तो तुम्हारा अटैचमेंट खुल जाएगा, करेक्ट। सो मीटिंग से पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, उधर क्या तय होगा, क्या होगा, एजीएम का तारीख। उसके बाद कितने दिन का नोटिस? 21 डेज का। साथ में क्या? एनुअल रिपोर्ट। अब क्या होगा, मीटिंग का तारीख नजदीक आ रहा है, मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर है तो हॉल ठीक से सजाओ या तैयारी करो, बाहर है तो तुमको चेयर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा, चेयर्स, फिर मे बी लंच दोपहर को है, इन्होंने 2 बजे रखा है, ठीक है ना, इसका मतलब खाना हो चुका होगा एज्यूम, तो टी रहेगा ना 3 बजे, तो ये सब दिमाग और प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी चेयरमैन जो मीटिंग में भाषण देगा उसका तैयारी करना पड़ेगा, कंपनी का अकाउंट तैयार रखना पड़ेगा। अब मीटिंग शुरू होने वाला है, कितने बजे? 2 बजे। सबसे पहले क्या लिया जाता है? अटेंडेंस। अब मैं तुमको एक डॉक्यूमेंट बताता हूँ, सेक्रेटरी अरेंजेस टू टेक डाउन द अटेंडेंस मेंबर्स एंड टेक देयर सिग्नेचर्स। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास शायद है, मैं तुमको बताता हूँ ये कैसे होता है। ये रहा, यहाँ पे मिनट्स में, या ओके, ये नोटिस एक है, इसमें मेरे पास शायद मिल जाएगा। मैं तुमको बोलता हूँ ये अटेंडेंस का कैसे होता है कागज, तुम्हारे सामने में प्रेजेंट करता हूँ। ये देखो, ये प्रॉक्सी फॉर्म तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ये रहा अटेंडेंस स्लिप। तुम जब जाओगे ना, ये स्लिप लेकर जाओ, या उनके पास जैसे ही तुम हॉल में जाते हो, हॉल के बाहर कंपनी के लोग बैठे होंगे, अब कौन अटेंड कर रहा है, ये अटेंडेंस स्लिप में साइन करेंगे, ठीक है, पासवर्ड, नेम ऑफ मेंबर, उसका सिग्नेचर लेंगे, ठीक है ना। कंपनी के पास ऑलरेडी डेटा होगा कि कितने शेयर्स है उसके पास, क्यों, अच्छा ये अटेंडेंस क्यों लेंगे, कोरम, कोरम चाहिए ना, कितना कोरम है प्राइवेट का? 2। पब्लिक का? 1000 मेंबर से कम तो 5 हजार, और 5 हजार मेंबर्स के बीच में 15, 5 हजार के ऊपर 30। तो ये जब मेंबर साइन करेगा तो ये कोरम का पहला भाग होगा, प्रॉक्सी साइन करेगा यहाँ पे तो वो कोरम में काउंट नहीं होगा। तो अटेंडेंस लेंगे बाहर, हॉल के बाहर ही वो सिग्नेचर लेते हैं, और फिर तुम अंदर जाते हो, ठीक है ना, और फिर कोरम, मीटिंग 2 बजे है, कोरम कितने देर के अंदर होना चाहिए? 2:30। सो रिक्वायर्ड क्या है? 2 बजे का मीटिंग है, 2:30 के अंदर कोरम हो जाना चाहिए। नॉर्मली लोग 1:30 से आना शुरू हो जाते हैं, यदि कोरम 2 बजे तक हो गया ना तो मीटिंग टाइमली शुरू होता है, 2 बजे, लेट नहीं करते मीटिंग, ठीक है। सो कोरम चेक कर लिया, कोरम एंड सेक्रेटरी इंश्योर्स दैट कोरम इज प्रेजेंट एंड रिपोर्ट्स टू चेयरमैन। कैसे पता चलेगा? जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था ना, इसके 30 सिग्नेचर हो गए, 30 मेंबर्स ने साइन कर लिया तो कोरम हो गया ना, तो सेक्रेटरी चेयरमैन को सबमिट करती है कि भाई चेयरमैन कोरम हो गया, सॉरी। अब मीटिंग शुरू होगा, सेक्रेटरी रीड द नोटिस, ठीक है ना, सेक्रेटरी क्या करेगी, नोटिस रीड करेगी। कौन सा नोटिस, मैं नोटिस भी बता दूं तुमको, ये देखो एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस तुम्हारे सामने है, ये रहा, ये नोटिस इज हियर बाय गिवन। ये जो नोटिस भेजा गया है शेयर होल्डर को 21 डेज पहले, सेक्रेटरी ये नोटिस रीड करेगी। उसके बाद में सेक्रेटरी, अब मीटिंग खत्म होने के बाद क्या बनाना पड़ता है, मिनट्स। मिनट्स कितने टाइम के अंदर होता है? मीटिंग खत्म होने के बाद 15 डेज, ये कायदे से कंपलसरी है। मैं तुमको एक मिनट्स का फॉर्मेट भी बता देता हूं, तो ये जो मिनट्स है, ठीक है, ये रहा मिनट्स,
ये देखो इसमें कितने लोग प्रेजेंट है, 442 शेयर होल्डर्स वेर प्रेजेंट, कम से कम कितने चाहिए, 30 चाहिए ना। और मीटिंग में क्या हुआ, चेयरमैन चेयरमैन स्टेटेड दैट इट वाज 12 नून और इट वाज टाइम टू स्टार्ट द एजीएम। फिर चेयरमैन ने शुरू किया मीटिंग में, ये चीज हुए, फैसला इसका लिया गया, ठीक है ना। ये देखो पूरा मिनट्स बनाना पड़ रहा है, लेकिन ये मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर बनाना पड़ता है। लेकिन मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ तुम नोट करोगे कि यहाँ पे चेयरमैन ने बोला 12 बजे और मीटिंग शुरू करना चाहिए, ये चेयरमैन ने बोला। इसका मतलब ये है ड्यूरिंग द मीटिंग जब कामकाज शुरू हुआ तो सेक्रेटरी नोट्स बना रही है। नोट्स क्यों, मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर जो बनाना है उसकी मेमोरी में सब कुछ थोड़ी रहेगा। वीडियो शूट होता है लेकिन सेक्रेटरी मस्ट नोट डाउन क्या हो रहा है। जैसे मैच चल रहा होता है तो कमेंटेटर कमेंट करते रहते हैं ना। जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है, ठीक है, राइटिंग द प्रोसीडिंग्स, उसके बाद में हेल्प्स चेयरमैन, कौन मदद करता है सेक्रेटरी, किस प्रकार से शो ऑफ हैंड्स हुआ, तो टेलर को बोलेगी भाई काउंट करो, ठीक है ना। और यदि पोल डिमांड हुआ तो पोल कितने टाइम के अंदर होना चाहिए, 48 आवर्स फ्रॉम द डिमांड ऑफ द पोल। तो ये जो चेयरमैन की मदद चाहिए या चेयरमैन ने कुछ मदद मांगी कि भाई शो ऑफ हैंड्स में काउंटिंग करो, कितने लोग हैं, कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, कितने लोग ना बोल रहे हैं, मोशन लिखित फॉर्म में आया वो प्रेजेंट करो, कोई शेयर होल्डर को क्वेरी है, डाउट है, किसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया, डिसीजन चेयरमैन लेगा लेकिन सेक्रेटरी विल असिस्ट द चेयरमैन, कंडक्ट पोल। इसके बाद ड्यूरिंग द मीटिंग शुरू हो गया, अब क्या होगा, मीटिंग खत्म हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सेक्रेटरी को, मिनट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया नहीं, तुम एग्जाम में जरूर लिखोगे कितने दिन के अंदर, नहीं 15 डेज, मिनट्स कितने दिन के अंदर, तुमको मिनट्स का ये भी बता दो फॉर्मेट। देखो ये मिनट्स का फॉर्मेट, ये एक्चुअली देखो पहले मिनट्स ऑफ द मीटिंग कितने बजे हुआ था, 2 बजे, 12 बजे, 23 जून को। उसके बाद कितने लोग प्रेजेंट थे, ठीक है, कोरम के लिए 442 शेयर होल्डर्स, दूसरे लोग अटेंडेंस थे, चेयरमैन, और फिर ये शुरू हुआ मीटिंग। ये जो है ना ऑर्डिनरी बिजनेस ये था, ये फैसला लिया गया, अडॉप्ट किया गया, मतलब फाइनलाइज किया गया, एक एक करके वो बताते जा रही है। द रिजोल्यूशन वोटिंग में हुआ, ये ऑडिटर रिपोर्ट का एक पॉइंट, एक क्वेरी था वो निकाला गया, उसके बारे में डिस्कस हुआ, डाउट हुआ, ठीक है ना। ये पूरे मिनट्स में, कोर्ट ऑफ लॉ में किसने चैलेंज किया, मीटिंग हुआ नहीं था तो ये सबमिट होगा। ये देखो तुम क्लियर कट लिखा जा रहा है और प्रिंटेड है, हाथ से नहीं लिख सकते, ये चेयरमैन इसमें प्रॉपरली साइन करेगा। देखो एंडिंग में चेयरमैन का सिग्नेचर है। मीटिंग कब खत्म हुआ, 1:07, 1 से 1.5 घंटे का मीटिंग रहता है, रिकॉर्डेड जुलाई 10, 2020। आ रहा है समझ में, ये मिनट कागजी फॉर्म में, वीडियो रिकॉर्डिंग तो होता ही है लेकिन ये राइटिंग फॉर्म में तुमको बनाना पड़ता है मीटिंग के 15 दिन के अंदर। उसके बाद में इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन हुआ तो कायदा ये बोलता है कि डिविडेंड मीटिंग में जब डिक्लेयर हुआ तो 30 डेज के अंदर शेयर होल्डर को डिविडेंड पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हुआ तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसको अपॉइंटमेंट का लेटर दो, ठीक है ना। सेंडिंग डॉक्यूमेंट एंड फाइलिंग रेजोल्यूशन, अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है, ऑर्डिनरी डिसीजन मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एक 51%, यदि 100 वोट्स है, ठीक है, 100 वोट्स है और 100 वोट्स में 51 वोट्स वालों ने हाँ बोला तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि स्पेशल रेजोल्यूशन है, कंपनी का नाम बदलना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बदलना है, इसको क्या बोलेंगे, 100 में से 75 वोट, 75% मतलब 75 वोट्स लगेगा, इसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल हुआ तो मीटिंग खत्म होने के 30 डेज के अंदर कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार। ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो भी चलेगा, एमसीए पोर्टल के थ्रू। स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा इन राइटिंग, और जो भी मेंबर्स एब्सेंट थे मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल्स की, क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या फाइनलाइज हुआ। तो इस प्रकार से ये सेक्रेटरियल ड्यूटीज है विद रिलेटेड टू द एनुअल जनरल मीटिंग।
ये वीडियो देखने से पहले इसका जो पिछला वाला वीडियो है एनुअल जनरल मीटिंग का, वो देखने के बाद ये देखना, तब ये अच्छे तरीके से और भी समझ में आएगा। वो एजीएम के प्रोविजंस थे, ये सेक्रेटरियल ड्यूटीज था, करेक्ट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है।